यस सर, इंफॉर्मेशन मिली है सर। सर अपने मुंबई में फिर से कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। मलाड मार्केट सर। पक्की इंफॉर्मेशन है सर। सर हम लोग लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। ओके सुनो, वो 20-21 साल का कोई लड़का है जो अपने कॉलेज बैग में बॉम्ब लेके घूम रहा है। जैसे ही मिलेगा तुरंत रेड वायर को कट करना है। रेड वायर। ओके सर। ओके चारों तरफ फैल जाओ एंड बी केयरफुल। ओके जय हिंद। सर वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हो, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, ढूंढो उसे। ये सारी पजल्स की बुक पे। अरे ये सारे पजल्स तो ये सॉल्व कर चुके हैं। अभी केडी के वास्ते ना
एक न्यू पजल बनाना पड़ेगा। सकेडी पाठक, अरे ऑफिसर कदम, आप यहाँ आइए आइए। अरे आपने तो पहचान लिया मुझे। आपको कौन नहीं पहचानेगा, पिछले हफ्ते मलाड मार्केट में बम ब्लास्ट रोक के आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। आप हमारे हीरो हैं। बैठिए ना प्लीज, खड़े कहिए। आज यहाँ हमारे कार्यालय में कैसे आना हुआ? मिस्टर पाठक, मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट और उम्मीद के साथ आया हूँ। दरअसल उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के दौरान हमने उस आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लिया था जिसने उसे प्लान किया था और जिसकी वो प्लानिंग थी। इंदर नाम है उसका, मुंबई के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट। जी जानता हूँ, न्यूज़ पर देखा था। मिस्टर पाठक, इंदर LEM के लिए काम कर रहा था जो कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए कोई भी लॉयर कोर्ट में उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए रेडी ही नहीं। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोर्ट भी बना दी इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप ऑफिसर कदम, मैं तो मिस्टर पाठक, मैं जानता हूं कि आप एक डिफेंस लॉयर हैं, लेकिन चाहे प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस, एक लॉयर इंसाफ के लिए ही तो लड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस केस को अगर ले लेते और इंदर को जल्द से जल्द सजा दिलवा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि FIR से वो छूट सकता है और उसके बाद पता नहीं वो किस तरह के गुनाह को अंजाम देगा, और क्या पता अगली बार हम उसे रोक ना पाए। मिस्टर पाठक, मुझे यकीन है कि आप इकलौते ऐसे लॉयर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। प्लीज टेक दिस केस। मैं मना कैसे कर सकता हूँ ऑफिसर? अंततः ये हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है, और वैसे भी आपकी मदद करना, आपकी सहायता करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात हो। थैंक यू मिस्टर पाठक, थैंक यू। साथ देनी पड़ेगी मिस्टर केटी। जहाँ पे इस केस को लेने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था, वहाँ पर आप आ गए इस टेरिस को प्रोसिक्यूट करने के लिए। देश के प्रति मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए आज डिफेंस भी इस टेरिस को बचाने के लिए कोई आर्गुमेंट्स नहीं करेगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछले सप्ताह मलाड बाजार में आतंकवादी हमले का प्रयास किया गया। ATS टीम और विशेष रूप से ATS ऑफिसर कदम इस प्रयास को रोकने में सफल रहे। उन्होंने वहां से इंदर शर्मा को गिरफ्तार किया। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा 15 किलो RDX से बने बम के साथ पाए। केवल इतना ही नहीं, ये उस बम को एक्टिवेट भी कर चुके। योर ऑनर, अगर ATS टीम असफल रहे और वो बम फट जाते तो मलाड मार्केट में न जाने कितने बेकसूर बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती, जिनमें भारी तादाद में योर ऑनर महिलाएं और बच्चे भी थे। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। मेरे पास कई प्रमाण हैं जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे ये प्रमाणित हो कि इन्होंने पिछले वर्ष अपने कॉलेज से छुट्टी ली, दूसरे मुल्क गए और आतंकवादी संगठन LEM के ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। योर ऑनर, दूसरे देश जाने में इंदर जी की सहायता की थी पाशा नामक एक व्यक्ति ने। हिंदुस्तान लौटने पर मुंबई में ही इन्होंने बॉम्ब बनाने की सामग्री इकट्ठा की। रघु नामक व्यक्ति ने उस बॉम्ब को बनाने में इनकी सहायता की। योर ऑनर, वीर सिंह जो इन्हीं के कॉलेज के छात्र हैं, इनके रूममेट हैं, उन्होंने ATS स्क्वाड को इत्तला किया। अगर समय अनुसार वो ATS स्क्वाड को इत्तला नहीं करते हैं योर ऑनर, तो ये विस्फोट हो गया होता है, ATS अपने काम में असफल रहता। योर ऑनर, मेरे पास कई ऐसे गवाह हैं जिसे इंदर शर्मा के विरुद्ध जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम आपकी अनुमति हो तो मैं ATS स्क्वाड के ऑफिसर कदम साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। ऑफिसर कदम, पिछले हफ्ते आपको जब सूचना मिली कि मलाड मार्केट में कोई विस्फोट करने वाला है, तत्पश्चात क्या हुआ भाई? माय लॉर्ड, उस दिन मैं रेगुलर ड्यूटी पे था, तभी मुझे
DBH इंजीनियरिंग कॉलेज से एक स्टूडेंट का फोन आया, वीर सिंह। उसने मुझे इंदर के बारे में बताया। उसने कहा कि इंदर मलाड मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और उसने उसकी पूरी तैयारी कर ली। तभी मैं अपने पूरे टीम के साथ ऑफिसर कदम ऑफिसर कदम आप अपनी गवाही पूरी कीजिए। ऑफिसर कदम क्या कर रहे हो? कदम आई अंडरस्टैंड कदम तुम्हारा दोस्त है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण। सुबह कदम से बात हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। गवाहों को लेकर अदालत में आ रहा था, जाने कैसे किसने। इसने किया ये सब कुछ। वही तो गेड़ी सर, समझाइए ना इसे। एमए खामखा उबल रहा है, इसके हाथ में कुछ नहीं। वैसे ही जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं, सब उसी का प्लान किया गेम, और आप सब प्लान की तरह चल रहे हैं। तू पागल हो गया क्या? ले जाओ इसे। ले, पागल नहीं हूं मैं सर, ये सब प्लान। आपका ये केस लड़ना, मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद बनना। बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर। अच्छा तो कौन खेल रहे हैं? खेल किसका आदेश मान रहे हो? कौन है तुम्हारा बॉस बताओ। सर आपको क्या लगा आप पूछेंगे और मैं बता दूं? तैयार हो जाओ मिस्टर केडी पाटिल, तैयार हो। अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुई है, अपना सब कुछ हारने वाले। मैंने कदम का सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया, ना पैसों की प्रॉब्लम ना घर में कोई प्रॉब्लम, बल्कि कुछ ही दिनों में कदम की बीवी को बच्चा होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कदम ने ऐसा क्यों किया। कहीं उस एलियम टेररिस्ट ग्रुप ने उस पर प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं वरुण, कदम डरने वाला ऑफिसर नहीं था। उसकी वजह से तो अच्छे अच्छों की वैसे केड़ी, सोचने वाली बात तो ये भी है कि इंदर जो कुछ कह रहा था उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा है, जैसे कोई पुराना दुश्मन। वही चेक कर रहा हूँ मैं पुराने केसेस में। ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें अपराधी एलियम नामक संगठन से जुड़ा हो। इंदर की धमकी का तात्पर्य क्या हो सकता है? दीदी, एक पार्सल आया है। बिली बाद में देखता हूँ। हाँ हाँ, that's what I was saying. तुम बाद में देख लेना, इस पर कुछ लिखा पर नहीं है। चल देखो। अभी बोले थे कि बाद में देखेंगे। Strange. Hello, Mr. Pathak, Mr. KD Pathak, are you there? I like you, man. I really like you. एक केस भी नहीं हारे अभी तक। That's the reason I choose you. तुम्हें चुना है मैंने ये गेम खेलने के लिए। वो इंद्र तुम्हें मेरे बारे में ही बता रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। गेम? कौन सा गेम? कैसा गेम?
क्यों खेलूं मैं ये गेम? वेल वेल वेल, खेलना तो तुम्हें पड़ेगा, एक्चुअली तुम ऑलरेडी खेल रहे हो। और ये मेरा वादा है मिस्टर पाठक तुमसे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर के सामने लाके खड़ा कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हेलो 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 मिस्टर पाठक, मैसेज अभी बाकी है। एक बात याद रखिए, ये गेम आसान नहीं, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र का केस जीतना आसान नहीं। आपको लगा था कि तीन विटनेस के दम पे थिंक मिस्टर पाठक, अगर वो विटनेस ही ना रहे तो सर ये क्या हो रहा है? ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है, संदेशा देने के बाद सीडी सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, अब यह कोई काम की नहीं। अरे वो तीन गवाह कहाँ है? सीडी उन्हें हमने एक सीक्रेट हाइडआउट पे रखा है और उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं, सिर्फ मेरे और मेरे कुछ ऑफिसर्स के अलावा। दवे लेकिन वो तो वीडियो में बोल रहा था कि नहीं नहीं बड़ा पॉसिबल ही नहीं, वहाँ कोई नहीं जा सकता, ऑफिसर्स को शूट एट साइड का ऑर्डर। मतलब फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है एक बार फोन करके मामला स्पष्ट कर ले ऑफिसर से। फोन कर उठा रहे हैं। तो भेज रहा हूं। शिंदे 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 शर्मा शर्मा गौतम गौतम हन 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 चिड़ी चिड़ी ये सब तो मेरे दुख की बात है, चारों ने अपने आप को गोली मार ली। जाकर देख वरुण वो लोग हैं कि नहीं ऊपर। सोच रहा था मैं भी कितना रूड हूँ। नहीं नहीं, उन चार ईमानदार और ब्रेव ऑफिसर की मौत की वजह से नहीं, मैंने एक्चुअली अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। आप मुझे प्यार से मैडमैन रॉकेट बुला सकते हैं, मैडमैन रॉकेट। क्यों केडी पाठक, चार लाशें देखने के बाद तो तुम मुझे सीरियसली ले रहे हो ना? एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ केडी पाठक चार लाशें देख के ज्यादा परेशान होगा या विटनेस के गायब होने की खबर से। वो क्या है ना, मैंने कहा था तुमसे आई एम योर फैन, सो आई नो तुम्हें केस हारना अच्छा नहीं लगता, और अब बिना विटनेस के तुम इंद्र को आतंकवादी कैसे साबित करोगे? वो तो एक मासूम सा इंजीनियर स्टूडेंट है ना? केडी पाठक तरस आ रहा है मुझे तुम पे। चलो चलो टू बी फेयर, तुम्हें भी मैं एक चांस देता हूं अपना नाम बचाने के लिए, ये केस जीतने के लिए। होल्ड ऑन और ध्यान से सुनो,
इस गेम का ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो एक्चुअली हम दोनों में कॉमन है, पहेली। किंतु इस बार पहेली मैं पूछूंगा केडी महोदय, तो मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा और अगर तुम उस पहेली को सुलझा पाए तो तुम अपने एक विटनेस को दोबारा देख पाओगे। डील? क्योंकि अभी तक तो तुम जान ही चुके होगे कि ये डीवीडी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और हाँ, एक और बात, यू हैव ओनली 24 आवर्स। 24 घंटे में अगर तुमने ये पजल नहीं सुलझाया तो तुम उस विटनेस को भी मरा पाओगे। वैसे तो मैं तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहता था, लेकिन इंद्र का केस भी तो स्पेशल कोर्ट में है, उससे पहले ही हमें ये गेम खत्म करना होगा ना। ओके, बाय बाय मिस्टर केडी पाठक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। मुझे शहर के हर एक कोने पे चेक नाका चाहिए, जिस किसी पे शक को अंदर डाल दो। यार पुलिस वालों को मारा उसने, किसी भी हालत में बच के नहीं जाना। कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वेयर यू आर। वो हमें किसी स्थान के बारे में बता रहा है, हमारा ध्यान किसी जगह की तरफ आकर्षित कर रहा है। कोई ऐसी जगह जहाँ पर सूरज निकलता है लेकिन सूरज पड़ता नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में? इंडिया में तो ऐसी कोई जगह नहीं, हो सकता है उस जगह का नाम ही अंधेरे से हो, जैसे कि अंधेरी। अंधेरी? केड़ी, अंधेरी का एरिया बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे हम? अंधेरी में एक फैक्ट्री है ट्विंकल नाम से, कई वर्षों से बंद पड़ी है। मुझे लगता है हमें वहाँ चलकर एक बार देखना चाहिए। वेलकम वेलकम केडी पाठक और इंस्पेक्टर दवे, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग यहाँ पे टाइम पे पहुंचोगे, बट अगेन यू आर द ग्रेट केडी पाठक। सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं दवे, वो हम पे नजर रख रहा है। बस एक बार सामने आ जाए केडी, उसका केस यहीं खत्म कर देंगे। रखो। गन नीचे करो। लेकिन ये क्या बोल रहा था केड़ी? ये हमसे पहली पूछ रहा था, अगली गुत्थी जो हमें सुलझानी। सो क्लोज मिस्टर पाठक, सो क्लोज। वो कहते हैं हाथ आया मुंह ना लगा, मुझे तो लगा कि तुम दोनों रघु को बचा लोगे। तुम चाहते ही नहीं थे कि हम रघु को बचाएं, इसलिए तुमने उसे हिप्नोटाइज किया था कि वो ठीक 2 बजे हमें पहेली सुनाकर अपने आप को गोली मारे। हिप्नोटाइज? हाँ दवे, एटीएस ऑफिसर कदम ने भी कोर्ट में अपने आप को ठीक 2 बजे गोली मारी थी, और फिर वो 4 पुलिस की सुरक्षा करते, वो भी 2 बजे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ 24 घंटे दवे, और आज कोर्ट में सुनवाई भी है। चल। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा के विरुद्ध साक्षी पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन समय की मांग करता है। लेकिन आपने तो पिछली सुनवाई में कहा था कि आपके पास 3 और गवाह हैं। जी योर ऑनर थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनका अपहरण कर लिया गया और उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे पुलिस की ओर, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। योर ऑनर, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ।
ये लोग केडी पाठक और उसके पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती टेररिस्ट करार कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे यहाँ पकड़ क्यों रखा है? इंदर की बात सही है, अगर इंदर के डिफेंस लॉयर के भी यही मांग है तो अदालत को आज ही फैसला लेना पड़ेगा। योर ऑनर, डिफेंस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। ये अदालत पुलिस और प्रोसिक्यूशन को अगली तारीख पे गवाह पेश करने का आदेश देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। केडी, अगली तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। केडी, उस पहली का क्या हुआ? वो हम्प्टी डम्प्टी वाली, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। इसका ये अर्थ होता है कि कोई बहुत ही बड़ी इमारत थी, वो गिरी। वो इमारत किसी मॉल के साथ जुड़ी। अब पहली का दूसरा भाग, ड्रीम्स वर बिग ऑफ द मॉल, दे हैड टू सेटल इन अ स्पेस टू स्मॉल। मतलब उस इमारत के गिरने से कोई बहुत ही सफल परिवार के सारे सदस्य मर। उसी परिवार के घर जाना होगा। फर्श पर ये निशान देख रहा था? हाँ केडी, ये तो किसी को घसीटने के निशान है। लेकिन किसी बेहोश व्यक्ति को घसीटा गया है, इसलिए निशान सीधे सीधे। अगर होश में होता तो छटपटा रहा होता। निशान के बगल में जूतों के निशान, इस कमरे की ओर जा रहे हैं। अरे मुझे तो लगा था कि एक ही विटनेस होगा, यहाँ तो दोनों है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम केडी पाठक, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस। अपने दूसरे पजल को भी टाइम से पहले पूरा कर लिया। एक्चुअली मैं ये गेम एंजॉय करने लगा था, लेकिन कुछ जरूरी काम आने की वजह से अधूरा छोड़ना पड़ रहा है मुझे ये गेम। इसीलिए तो तुम्हारे दोनों विटनेसेस को एक साथ तुम्हारे सामने रख दिया है मैंने। ये दोनों रघु और वीर, ये दोनों भी हिप्नोटाइज्ड हैं। ठीक 2 बजे अपने आप को मारने के लिए इन दोनों के हाथ में एक स्विच है। जैसे ही 2 बजेंगे ये वो स्विच दबा देंगे और दोनों के बदन में 1000 वोल्ट की बिजली दौड़ जाएगी। लेकिन क्या ये वो स्विच दबाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। केडी, मैं तो कहता हूँ कि 2 बजे से पहले इनको यहाँ से निकाल लेना चाहिए। नहीं, ये मैडमैन रॉकेट जो भी है बहुत शातिर है, 2 बजने से पहले हमें कुछ नहीं करने देगा। हो सकता है अगर हमने इन्हें खोलने की कोशिश की तो बटन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। क्या कर रहे थे तुम हार गए केडी पाठक। केस जीतने के बाद भी तुम हार जाओगे। आदर साहब, मैंने ही इंदर का नकली पासपोर्ट और वीजा बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आतंकवादी है, वरना कसम से मैं कभी उसकी मदद नहीं करता। योर ऑनर, इंदर मेरे कॉलेज में मेरे साथ में पढ़ता था और मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रहता था, लेकिन अचानक 1 महीने के लिए ये बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया। और जब ये वहाँ से वापस आया तो इसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब थी, और जब मैंने एक दिन इसका पेपर देखा तो उस पर RDX लिखा था, तब से मुझे इस पर शक होने लगा। और उसके बाद मैंने जब इसका लैपटॉप चेक किया तो उससे एक मेल आया, उसमें लिखा था कि मलाड के मार्केट में बॉम्ब प्लांट कर। और सर, जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने ATS ऑफिसर को इसके बारे में खबर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। योर ऑनर, पाशा और वीर के कथन से ये प्रमाणित हो जाता है कि मिस्टर रंदर शर्मा एक टेररिस्ट आतंकवादी। इनकी मंशा थी कि उस दिन मलाड मार्केट में ये बम विस्फोट करें जिसमें अन्य लोगों की जानें जा सके। केवल इतना ही नहीं, योर ऑनर, इस केस के चलते पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर दबाव डाला है, कई लोगों की मृत्यु हो, 4 पुलिस वाले, हमारा
बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह रघु और एटीएस ऑफिसर कदम। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि मिस्टर इंदर शर्मा को आतंकवादी माना जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत सारे गवाहों के बयान और इंदर के कमरे में मिले सबूतों के आधार पर उसे भारत में आतंकवाद फैलाने के संगीन जुर्म में दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ, द केस इज क्लोज। के मुताबिक रघु की मौत दम घुटने से हुई। तो सब भाग्यशाली है जो बच गया। बैठ वरुण, वो डीवीडी देखते हैं। सॉरी मैंने झूठ बोला, दैट द गेम इज ओवर, बट नो, गेम इज स्टिल ऑन। कैसा लग रहा है मिस्टर पाठक अपने आप को किसी के हाथ की कठपुतली बनते हुए? वैसे मन तो कर रहा है कि इंद्र को फांसी दिलाने के लिए आपको कांग्रेट्स बोलूं, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूं कि तुम्हें एक और सरप्राइज दे दूं। टेंशन हो रही है मिस्टर पाठक, होनी भी चाहिए। आपके जीवन के सबसे बड़े डर से जो आप रूबरू होने वाले हैं, इंद्र को फांसी लगने में बस कुछ ही समय बाकी है। सब इंद्र की फांसी से आपके डर का क्या ताल्लुक हो सकता है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई पहेली नहीं है, ये तो एक सरप्राइज है। ऐसा सरप्राइज जो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा मिस्टर पाठक। इंद्र इज इनोसेंट। वो तो बेचारा एक सीधा साधा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था, और आपने उस इनोसेंट बेगुनाह लड़के को फांसी की सजा दिलवा दी। क्या कर दिया आपने? या फिर मैंने? क्योंकि गेम तो मेरा था ना, इंद्र तो बस इशारों पर चल रहा था, अंडर हिप्नोसिस, उसे तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हो गया। इंद्र इज इनोसेंट? सर ये कैसे हो सकता है? सर वी हैव प्रूफ अगेंस्ट हिम, और कदम ने तो खुद उसे पकड़ा था बॉम्ब के साथ। सर ये सब झूठ है, आप किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिला सकते। मेरा सबसे बड़ा भय, ये सब प्लान, आपका ये केस लड़ना, मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद मरना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर। मिस्टर पाठक, तो कैसा लगा सरप्राइज? आपके सबसे बड़े भय को सत्य में बदल दिया मैंने। कल सुबह इंद्र को फांसी हो जाएगी, और इसका जिम्मेदार कौन? और कोई नहीं पर हमारे देश का सबसे बड़ा और काबिल वकील मिस्टर केडी पाठक। ये बताने की जरूरत तो अब है ही नहीं, ये डीवीडी भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जस्ट इन केस आप ऐसा सोच रहे हो कि इसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, गेम इज ओवर नाउ केडी। सर आप मुझे लीव मी अलोन। मिस्टर पाठक, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आपने इंदर को जिस दिन प्रोसिक्यूटर बनकर फांसी की सजा दिलवाई थी, ठीक उसी दिन इंदर के डिफेंस लॉयर के नाते आपने केस रीओपन करा दिया। इंदर उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था, आप फिर भी उसे बचाना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं, ये केस रीओपन करवा के मैंने सबको कष्ट दिया, किंतु क्या एक निर्दोष को दंड मिले ये मुझसे देखा नहीं था। तो आपका ये कहना है कि इंदर बेकसूर हैं? जी योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इंदर शर्मा निर्दोष है। क्योंकि योर ऑनर, इंदर शर्मा एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी नहीं है, ये केवल एक विद्यार्थी है, कॉलेज का एक छात्र, जिसने हिप्नोसिस के प्रभाव
ये सब किया। योर ऑनर, साइकियाट्रिस्ट के पास इनकी चिकित्सा करवाने के पश्चात इन्हें कुछ भी याद, मलाड मार्केट में बम विस्फोट करने का प्रयास किया इन्होंने, अदालत की दो सुनवाई, कुछ भी याद नहीं। योर ऑनर, ये पूरा खेल उस व्यक्ति का है जिसका नाम मैडमैन रॉकेट। ये इंदर शर्मा की चिकित्सा की फाइल, पिछली सुनवाई में जब इन्हें दंड दिया गया, मैं अदालत से लौटा और योर ऑनर, मेरे पास एक ही अवसर था उस अपराधी को पकड़ने का, वो अपराधी जिसके मन में इस देश के लिए और इस देश के कानून के लिए कोई मान नहीं। योर ऑनर, हर अपराधी में एक खोट होती, विजय के नशे में कोई ना कोई भूल कर ही बैठ, और यही अवसर था मेरे लिए योर ऑनर, उसे पकड़ने का। इसी कारण से हमने एक ऐसा जाल बुना जिससे वो अपराधी निकल ना पाए। सर्वप्रथम योर ऑनर, मैंने इंदर शर्मा को फांसी की सजा दिलवाई ताकि उस अपराधी को ऐसा लगे कि वो जीत गया और बाहर आ गया। फिर इंस्पेक्टर दवे के साथ मिलकर मैंने अपना सालों पुराना बदला ले लिया, हरा दिया उस केडी पाठक को, ना जीने लायक छोड़ा ना मरने, बस अपनी गलती के लिए घुट घुट कर एक एक सांस लेगा, वैसे ही तड़पेगा जैसे हम तड़पे थे, बस कुछ और टाइम फिर हम साथ होंगे। इंस्पेक्टर दवे, मिस्टर पाठक, ये तो आपका चौथा गवाह है और इंस्पेक्टर दवे की तो मृत्यु हो चुकी थी। योर ऑनर, यही है असल अपराधी वीर सिंह उर्फ मैडमैन रॉकेट। अब तो समझ ही गए होंगे अब इंस्पेक्टर दवे की मृत्यु केवल एक ढोंग था जो आपको पकड़ने के लिए हमने। योर ऑनर, मुझे इन पर संदेह तब हुआ जब इंस्पेक्टर दवे और मैं कुलाबा की उस बिल्डिंग में, दवे कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों में से केवल एक ही बेहोश अवस्था में यहाँ आया है, दूसरा अपने पैरों पर चल के आया है, जैसे कि बाहर निशान से पता चलता है। मतलब ये कि हो सकता है इन दोनों में से कोई मैडमैन रॉकेट हो। जो भी करना है संभल के करना है, आजा। और ये दवे बच कैसे गया? से तो मैंने खुद सुसाइड हिप्नोटाइज किया था, इसने तो सबके सामने अपने आप को गोली मारी थी। मैं जानता था मिस्टर वीर सिंह कि आप ही, और आप ही ने 2 बजे सबको हिप्नोटाइज किया था ताकि वो अपने आप पर गोली चलाए। मैं ये भी जानता था कि आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मेरे करीबी लोगों को मारकर मेरे सामने, इसलिए उस समय इंस्पेक्टर दवे थे मेरे साथ, मैंने इनकी बंदूक की गोलियां बदल दी, असली गोलियां की जगह नकली गोलियां डाल दी। वो गोली जो आप पर चलाई थी इंस्पेक्टर दवे ने, वो भी नकली। योर ऑनर, 12 वर्ष पूर्व इनके पिताजी सतपाल सिंह को मैंने दंड दिलवाया। आप मेरे पति के खिलाफ केस लाने वो हमारे परिवार के एक सारा हिस्सा, अगर आप केस छोड़ देंगे ना तो वो बच जाएंगे सर। अगर वो बच गए
तो किसी बेगुनाह को सजा हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगा। इस अदालत में रोज कितने गुनेगार बचते हैं। अगर आज मेरा पति बच जाएगा तो इस देश में आफत आ जाएगी सर। देखिए आपकी भावनाएं अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके पति ने घोर अपराध किया और आपके पति के किए हुए अपराध की सजा कोई और भुगते, ये ठीक नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं, इस बारे में कुछ नहीं। सर प्लीज प्लीज। 6 साल के थे ये तब, तब से लेकर अब तक ये बदले की आग में झुलस रहे। ये जो इन्होंने किया तो मुझसे बदला लेने के लिए। आपका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य मैडमैन रॉकेट साहब कि आप इसमें असफल रहे। डिफेंस रेस्टर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत वीर सतपाल सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर इंदर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.